हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनअकैडमी वाईफाई स्टडी चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक जीएस के, और साथ में दोस्तों बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे और ऐसे ऐसे टॉपिक करेंगे गाइस जो आपके एग्जाम में आते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चीजों को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर पाए। और गाइस, अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा कि आपका जो एग्जाम का डेट है वो भी आ चुका है, तो आप समझ सकते हो गाइस कि अब जो सेशन है उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है दोस्तों। तो सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और सारे बच्चे यार एक बार ना सेशन को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद दोस्तों हम लोग जो हमारा डिस्कशन है उसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा नाम अनुराग सिंह है, और यहाँ पर दोस्तों आप एक क्रेडेंशियल देख सकते हो, और दोस्तों ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको अनअकैडमी में जो एसएससी की कैटेगरी है यहाँ पर जीएस की जो सब्जेक्ट है वो आप लोग के साथ में डिस्कशन करता हूँ। और दोस्तों ये मेरा कोड है NG10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात करें आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, हर एक लेक्चर का दोस्तों आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, और इंडिया के सारे टॉप के फैकल्टी दोस्तों आप उनसे पढ़ाई कर सकते हो। साथ में दोस्तों आपको रिवीजन के लिए यहाँ पे क्रैश कोर्स अवेलेबल होता है। देन हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें, हर संडे आपका वीकली टेस्ट होता है, हर फोर्थ सेशन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बायलिंगुअल कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। 30+ बैचेस दोस्तों इस समय आपको देखने को मिलेंगे एवरी वीक, 300+ क्लासेस एवरी डे हो रही है, 70+ टॉप एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर इंडिया के, अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो 40,000 से ज्यादा रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है इस समय अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। 20,000 दोस्तों लोग बात करें तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 90% से भी ज्यादा दोस्तों लोग बात करें तो स्टूडेंट का ट्रस्ट है। और इस समय दोस्तों लोग बात करें तो 7 जुलाई से जो बैचेस आ रहे हैं उसमें गाइस मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिक जीके। और गाइस हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो सीजीएल, सीएचएसएल 2021, 2020 और 2022 के लिए दोस्तों लाइन से आपको बैचेस आपको देखने को मिलते हैं। और हर एक बैच में गाइस आप अनलिमिटेड देख सकते हो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में, और हर एक लेक्चर का दोस्तों आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे सब्जेक्ट को दोस्तों एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में कवर कर सकते हो। और इस समय गाइस मैं बात करूं तो 1 ईयर की फी है 6800, 2 ईयर की 7800, बट ये आपको पे नहीं करना, यूज करो दोस्तों कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और फी हो जाएगी 1 ईयर की 5850। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो 2 ईयर की हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगर फीस के बारे में बात करें तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों 7020। और गाइस इस समय आपको अनअकैडमी देखो दोस्तों जुलाई ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, और अगर इस समय आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दोस्तों आपको देखो यहाँ पर 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7020 रुपीज में। और दोस्तों हम लोग बात करें 1 ईयर का अगर आप लेते हैं तो आपको 1.5 ईयर का दोस्तों हम लोग बात करें तो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है गाइस। और आप देख सकते हो सीईटी का प्रिपरेशन भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यूज कर सकते हैं कोड NG10। और गाइस अनअकैडमी अपने प्राइस को हाइक करने वाला है जुलाई में, तो दोस्तों आप अपना सब्सक्रिप्शन परचेस कर लीजिएगा। तो गाइस अब सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर गाइस मैं सेशन में आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि क्या हम ऑब्जेक्टिव से सेशन को स्टार्ट करें, या फिर दोस्तों हम लोग बात करने की कोशिश करें कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के साथ सेशन को स्टार्ट करूं। हेलो निधि, हेलो बेटा, तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों मैं सबसे पहले बुक्स एंड ऑथर से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद दोस्तों हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करें। और सबसे पहले दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पंडित रविशंकर जी हैं, अगर मैं इनके बारे में बात करने की कोशिश करूं, ये कौन सा वाद्य यंत्र यानी कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इनके पास क्या है, सितार, तो ये सितार बजाते हैं। और इन सभी लेक्चर का पीडीएफ आपको अवेलेबल मैं करा दूंगा अनअकैडमी के थ्रू गाइस, या फिर बात करूं वाईफाई स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर, है ना। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे विंसेंट चर्चिल। और गाइस बेटा फ्री आप स्पेशल क्लास में पढ़ सकते हो और यूट्यूब में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो विंसेंट चर्चिल के बारे में दोस्तों अगर बात करूं, जब हमारा इंडिया दोस्तों जब गुलाम था और जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय दोस्तों ये ब्रिटेन के, हम लोग बात करें दोस्तों तो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने ही दोस्तों गांधी जी को कहा था नंगा फकीर। यस सर नो, गांधी जी को इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, नंगा फकीर कहा था। आगे दोस्तों हम लोग बात करने की कोशिश करें तो इनकी बुक का नाम क्या है, माई अर्ली लाइफ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी आत्मकथा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था दोस्तों बेनजीर भुट्टो, इनके बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इनकी मौत हो जाती है, आप लोग को याद ही होगा गाइस। और अगर हम लोग बात करें इनको मार दिया जाता है, और इनकी जो आत्मकथा है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है गाइस, उसका नाम क्या है, डॉटर ऑफ द ईस्ट। सुपर इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है।
हेलो पारुल, हेलो हेलो नीरज, आई होप गाइस आप लोग जो मेरे पॉइंट्स हैं उसके साथ कनेक्ट हो पा रहे होंगे। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें, मैं एमसीक्यू भी लेकर के आया हूँ, लेकिन मैंने पहले सोचा कि यार देखो एमसीक्यू मैं हमेशा करा सकता हूँ, पर कुछ आपको वो चीजें करा देता हूँ जो एग्जाम में गारंटीड आएंगी। अब दोस्तों ये कौन है, तो आप सभी जानते हो दोस्तों, ये है ब्राजील के ग्रेटेस्ट द पेले, दोस्तों बहुत ही फेमस फुटबॉलर। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी, जो आत्मकथा है, उसका नाम क्या है, वाई शॉकर मैटर्स। हाँ, तो दोस्तों आई होप ये बात भी आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। और दोस्तों आपको पता है कि कतर में होने वाला है फीफा का वर्ल्ड कप, यस और नो? कतर में होने वाला है दोस्तों फीफा का वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप दोस्तों कब होगा, 2022 में होगा। और कतर की कैपिटल क्या है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो दोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो कपिल, देन दोस्तों दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट स्लाइड गाइस। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, सचिन तेंदुलकर, इनकी बुक का नाम है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे प्लेइंग इट माई वे, कई बार एग्जाम में आ चुकी दोस्तों, मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं हम इनको, सुपर इंपॉर्टेंट किताब है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें युवराज सिंह, इनकी किताब का नाम है दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर इन्होंने दोस्तों जो कैंसर के दौरान जो इनका कार्यकाल था उसके बारे में भी यहाँ पर काफी ज्यादा बात की है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें सौरव गांगुली, यस और नो बेटा, ये पैट में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी, इस क्लास से आपके पैट के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैं एमसीक्यू की तरफ भी बढ़ूंगा गाइस, है ना। तो दोस्तों सौरव गांगुली की जो किताब है उसका नाम क्या, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सुपर इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों हम लोग बात करें तो ये है वीवीएस लक्ष्मण, और दोस्तों आपको याद होगा कोलकाता में टेस्ट मैच हुआ था, कोलकाता में दोस्तों हम लोग बात करने की कोशिश करें तो टेस्ट मैच हुआ था, और यहाँ पर दोस्तों इंडिया को फॉलो ऑन खेलना पड़ा था, और वीवीएस लक्ष्मण ने वहां पे बनाए थे 281 रन। तो दोस्तों बुक का नाम है 281 एंड बियॉन्ड, है ना, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है भाई। नीरज, मेरी क्लास इस चैनल पर रेगुलर नहीं होती है, नॉलेज 365 पे होती है और 2.0 पे होती है, ठीक है, फिलहाल हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट में बेटा मैं आपको बता दूंगा कि क्लासेस की टाइमिंग। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो आप देखिएगा, ये है दोस्तों डियोगो मैराडोना, और ये इस बार एग्जाम में क्यों आएंगे, क्योंकि दोस्तों इनकी अब क्या हो चुकी है, इनकी डेथ हो चुकी है दोस्तों, इनका देहांत हो चुका है। और दोस्तों इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया था, कब का, 1986 का, और दोस्तों इनका हैंड गोल बड़ा फेमस है, और इनकी बुक का नाम है दोस्तों टच्ड बाय गॉड, टच्ड बाय गॉड, यस और नो, बिल्कुल, है ना। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन दोस्तों। देन दोस्तों हम लोग बात करें अगेन सुपर इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर हम लोग बात करें साइना नेहवाल, साइना नेहवाल दोस्तों हम लोग जानते हो बैडमिंटन की प्लेयर है। अच्छा सुनो एक बात बताता हूँ, देखो फीफा वर्ल्ड कप से के बारे में हम लोग बात करें तो जो सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था 1930 में, और दोस्तों ये कहां पर हुआ था, तो एक कंट्री है उरुग्वे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और दोस्तों उरुग्वे ने वर्ल्ड कप जीत भी लिया था, उरुग्वे बिल्कुल ब्राजील के नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, है ना बेटा, मैं जो पढ़ाऊंगा, हेलो आकृति, नमस्ते बेटा, देखो मैं जो आपको बुक्स यहाँ पे करा रहा हूँ गाइस, आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये वो किताबें हैं जो एग्जाम में लगातार आती, अगर आप बेटा कोई भी एग्जाम दोगे ना तो ये सारी ही बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, इन्हीं बुक्स के होकर के ही आप जाओगे, है ना। तो बेटा आप यहाँ पे, मैं यही बोल सकता हूँ कि आपको ना थोड़ा सा भरोसा आप लोग करिएगा, यहाँ के बाहर दोस्तों क्वेश्चंस नहीं जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और साइना नेहवाल के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सी गेम खेलती थी दोस्तों, बेसिकली खेलती हैं दोस्तों, याद रखना कि ये जो गेम खेलती हैं वो है आपका बैडमिंटन, सुपर इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, प्लेइंग टू विन, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। हेलो भाई, हेलो एवरीवन। देन दोस्तों ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली, इनकी दोस्तों किताब का नाम है ग्रेटेस्ट माय ओन स्टोरी, सुपर। आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, एक बार इनसे पूछा गया कि आप इतनी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों करते हो, तो इन्होंने बोला भाई कि मैं इसलिए ट्रेनिंग करता हूं कि अगर कोई मुझसे भी बेहतर बॉक्सर मिल जाए रिंग में तो मैं उससे कई बार मार खाऊं, उसको थका दूं, और फिर मैं उसे एक ऐसा पंच मारूंगा कि वो गिर जाए, यस और नो। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे हरियाणा हरिकेन कपिल देव जी, जिन्होंने दोस्तों इंडिया को पहला वर्ल्ड कप जिताया था 1983 में, और दोस्तों हम लोग बात करें इनकी जो आत्मकथा है, जो ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यस और नो, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। गाइस एक बार आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए कि क्या मैं डायरेक्टली आपको एमसीक्यू की तरफ लेकर के जाऊं क्या, या फिर मैं इस बुक्स को कराऊं जो मैं अभी आप लोग के साथ में यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। देन दोस्तों हम बात करें इंडियन जो मैरिजेस होती हैं,
जो भारत में दोस्तों जो विवाह होता है वहां पर आपको देखने को मिलता है क्या, बहुत सारा मेलोडी, बहुत सारा ड्रामा। तो दोस्तों इस पूरे ड्रामा के ऊपर एक किताब लिखी है, विक्रम सेठ ने, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, और इसमें एक बंदे को ढूंढने से लेकर के शादी तक की बात कही जाएगी। और इस बुक का नाम है दोस्तों असुटेबल बॉय, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट किताब है गाइस, आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। देन दोस्तों हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, जिनको भारत रत्न भी दिया गया था दोस्तों, इन्होंने एक बार 13 दिन सरकार चलाई, एक बार दोस्तों इन्होंने 13 महीने सरकार चलाई, उसके बाद दोस्तों इन्होंने 5 साल सरकार चलाई। तो दोस्तों ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इनको भारत रत्न से दोस्तों हम लोग बात करें तो सम्मानित किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों इनकी, बिल्कुल। निधि बेटा, अरुंधति राय की बुक मैं बिल्कुल बताऊंगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये सब आगे है। यस और नो, ठीक है ना। यस और नो, बिल्कुल। हेलो एवरीवन, ओके भाई, बुक सीखना है ना, ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ बेटा थोड़ा सा। अगर मैं सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव करना है तो बताओ दोस्तों, देखो ऑब्जेक्टिव ठीक है, पर क्या आपको ये सारी बुक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है? अब जैसे दोस्तों हम लोग बात करें, एक किताब का नाम है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज दोस्तों ये लिखी थी किसने, हम लोग बात करें मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी कि गांधी जी ने। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो एक बात और याद रखना दोस्तों, इसी किताब को इंडियन होम रूल के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इस किताब के बारे में आपको याद रखना, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, गांधी जी जो थे दोस्तों 1888 में, 1888 में लॉ पढ़ने के लिए दोस्तों कहां पर जाते हैं, अगर हम लोग बात करें तो यूके जाते हैं। कहां जाते हैं? यूके, यानी कि दोस्तों हम लोग बात करें ब्रिटेन जाते हैं। और दोस्तों हम लोग बात करें लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए 1893 में गांधी जी कहां पर जाते हैं? साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। और गांधी जी इंडिया कब आए थे दोस्तों वापस? तो याद रखो दोस्तों, गांधी जी इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को। और तभी से दोस्तों हम लोग बात करें, ये जो डेट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, इस दिन हम लोग एनआरआई डे यानी कि अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और इस किताब में गांधी जी ने दोस्तों हम लोग बात करें जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जो हम लोग बात करें दोस्तों औद्योगिक क्रांति है, इसको जम करके लताड़ा था। और रीजन क्या था? उन्होंने बोला था कि जितना ज्यादा आप मशीनों से सामान बनाओगे उतना ज्यादा एक भारतीय जो है वो बेरोजगार होता चला जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके भाई, हेलो एवरीवन, दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। हेलो गाइस, सर आप पढ़ाते क्यों हो बताइए? ओके बेटा आदित्य, ठीक है, आप पढ़ते क्यों हो दोस्त, ये बताओ जरा एक बार, ठीक है। देन हम लोग दोस्त यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, अगली किताब हो जाएगी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यस और नो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, ये आत्मकथा है किसकी? मोहनदास करमचंद गांधी जी की दोस्तों, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा हम लोग बात करें कि केसर ए हिंद गांधी जी को किस लिए दिया गया था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बिल्कुल 1915 में गांधी जी को दिया गया था, पर उसके पीछे रीजन था। देखो केसर ए हिंद गांधी जी को इसलिए दिया गया था क्योंकि जब ये साउथ अफ्रीका में थे तो इन्होंने अंग्रेजों को दोस्तों एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की थी, जो युद्ध चल रहा था दोस्तों वहां पर, तो इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी, तो इसलिए इनको केसर ए हिंद दिया गया था, जिसको इन्होंने जलियांवाला बाग के बाद दोस्तों वापस कर दिया था, ठीक है। दोस्तों गांधी जी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और दोस्तों बुक का भी नाम क्या है? माई पॉलिटिकल गुरु गोखले, सुपर इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, ठीक है। देन दोस्तों इसके ऊपर तो अभी मूवी भी बनी है व्हाइट टाइगर, और इसको लिखा है दोस्तों किसने? अरविंद अडिगा ने, अरविंद अडिगा ने, है ना, इसको किसने लिखा है दोस्तों? अरविंद अडिगा ने। और आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं, अमृत सेन जी दोस्तों, जिनको नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, इनकी जो इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों हम लोग बात करें आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आइडिया ऑफ जस्टिस, और दोस्तों हम लोग बात करें डेवलपमेंट एज फ्रीडम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों इनकी द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग बेटा, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई, पर अगस्त लास्ट वीक या फिर सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में आपका पीटी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करें, मिल्खा सिंह जी की डेथ हो गई है दोस्तों, और इनको हम लोग किस नाम से जानते थे? तो गाइज इनको हम लोग जानते थे फ्लाइंग सिख के नाम से। किस नाम से? फ्लाइंग सिख। और इनकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। आई होप दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों हम लोग बात करें अभिनव बिंद्रा जी के बारे में। देखिएगा दोस्तों, ये पहले व्यक्ति बने थे, ये पहले पर्सन बने थे इंडिया की तरफ से, ये फर्स्ट इंडियन थे गाइस, अगर हम लोग बात करें, जिन्होंने दोस्तों हम लोग बात करने की कोशिश करें तो क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। कहां पर दोस्तों हम लोग बात करें?
व्यक्तिगत तौर पे। देखो हमारी हॉकी टीम तो लगातार जीतती थी, पर पहला व्यक्ति जिसने इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, याद रखना वो कौन था, वो थे अभिनव बिंद्रा जी। और दोस्तों इन्होंने ये कहां पर जीता था, तो 2008 में जो आपका बीजिंग ओलंपिक हुआ था दोस्तों, वहां पर इन्होंने दोस्तों अगर हम लोग यहां पे बात करें तो गोल्ड मेडल जीता था। सुपर इंपॉर्टेंट है ना बिल्कुल। चले दोस्तों है ना, थैंक यू एवरीवन गाइस। चले यहां तक हमारा हो गया दोस्तों है ना, बिल्कुल। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं यार, एक बात मैं आप लोग को बोलूंगा कि यार सेशन को एक बार प्लीज यार थोड़ा सा शेयर जरूर करो। और दोस्तों इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो इनकी आत्मकथा है, उसका नाम क्या है, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं सानिया मिर्जा के बारे में। दोस्तों ये टेनिस प्लेयर है, अगर हम लोग बात करें टेनिस गेम खेलती हैं। और अगर दोस्तों हम लोग बात करें इनकी जो आत्मकथा का नाम है एस अगेंस्ट ऑट, सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं दोस्तों मैरी कॉम जी की दोस्तों जो किताब है उसका नाम क्या है, द अनब्रेकेबल, सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देन दोस्तों अरुणिमा सिन्हा जी, दोस्तों इनको लोगों ने क्या किया था, आपको याद होगा ट्रेन से फेंक दिया था, इनके पैर कट गए थे है ना, बहुत समय तक दोस्तों ये वहां ट्रैक के पास पड़ी रही। फिर दोस्तों उसके बाद दोबारा से इन्होंने क्या किया, डुप्लीकेट पैर के थ्रू दोस्तों चढ़ाई चढ़ना चालू किया। और दोस्तों ये बुक लिखी गई जिसका नाम था बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, सुपर इंपॉर्टेंट किताब, एग्जाम में बार बार आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल भाई, कर सकते हो, एक महीने के अंदर आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो और ढंग से पढ़ाई करो तो। देन दोस्तों आते हैं सलमान रश्दी, अब ये इंडियन नहीं है, इनकी कुछ किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिड नाइट चिल्ड्रन, इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। द सैटेनिक वर्सेस, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और दोस्तों द गोल्डन हाउस, ये तीन किताबों में से एक किताब आपकी एग्जाम में 100% आती है। देन दोस्तों हम लोग बात कर झुंपा लहरी, स्टार मार्क कर लेना दोस्तों, इनकी तीन बुक इंपॉर्टेंट है, एक तो है द नेम शेक, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडी। एंड दोस्तों हम लोग बात करें एक और याद रखना है लो लैंड, ये तीन बुक में से एक बुक दोस्तों आपके एग्जाम में 100% पूछी जाती है। देन दोस्तों हम लोग बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की जो किताब है दोस्तों, हम लोग बात करें एक हो जाएगी गोदान और एक हो जाएगी हम लोग बात करें यहाँ पे गबन। दोस्तों अगला हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं दलाई लामा जी, जिनको नोबेल का पीस प्राइज शांति पुरस्कार मिला है, इन्होंने किताब लिखी थी दोस्तों फ्रीडम इन एक्साइल, ठीक है। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं खुशवंत सिंह जी, इनकी भी दोस्तों जो किताबें हैं काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान, और दूसरा हो जाता है दोस्तों लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, और फाइव रिवर्स का जो जमीन है दोस्तों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग जानते हो दोस्तों उसी को हम लोग बोलते हैं पंजाब। आई थिंक दोस्तों हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़े क्या, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद थ्योरी नहीं करना है ना। यस और नो, चलें दोस्तों। अरुंधति रॉय के बारे में बच्चे पूछ रहे थे, तो दोस्तों इनको बुकर प्राइज मिला था किसके लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, सुपर इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग बात करें द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये सबसे ज्यादा बार बार एग्जाम में पूछी गई किताबें हैं दोस्तों जो हम लोगों ने देखी हैं। देन दोस्तों लाला लाजपत राय जी की ये वाली किताब याद कर लेना, अनहैप्पी इंडिया, दोस्तों इनको शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, ये वाली किताब इनकी इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें बाल गंगाधर तिलक जी, इनकी जो सुपर इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों गीता रहस्य, और ये इन्होंने दोस्तों कब लिखी थी, ये टाइम पीरियड था 1908 से लेकर के 1914 का, और ये दोस्तों इन्होंने लिखी थी कहां पर, मांडले जेल में। और दोस्तों याद रखना मांडले जेल कहां पर है, तो आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार में, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने बताया था कि जो आर्यन से ये कहां से आए हैं, ये आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, तो इनकी बुक का नाम क्या है, आर्कटिक होम इन वेदास। और दोस्तों याद रखना इन्होंने ही गणपति बैठाना भी चालू किया था, ठीक है, बिल्कुल। अगला दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं है ना, दिन दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, आपको याद रखना है वेटिंग फॉर अ वीजा। और दोस्तों आज भी ये यूएसए के अंदर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दोस्तों, हम बात करें कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां पर पढ़ाई जाती है, ये इनकी आत्मकथा है दोस्तों और एग्जाम में कई बार आती है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इनकी जो समाधि है जो क्रेमेटोरियम है उसको बोलते हैं चैत्य भूमि, और चैत्य भूमि के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये दादर में है, और दोस्तों जहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था उसको बोलते हैं दीक्षा भूमि, और वो आपको कहां पर मिलती है दोस्तों हम लोग बात करें तो आपको नागपुर में देखने को मिलती है।
है ना, बिल्कुल। देन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी की जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रखना है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको याद रखना है, और लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। दोस्तों ये जो इंदिरा गांधी को जो लेटर लिखते थे उसी के ऊपर एक पूरी की पूरी हम लोग बात करें दोस्तों तो बुक लिख दी गई है ना, बिल्कुल। देन दोस्तों हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, तो दोस्तों ये वाली बुक आप याद रखना, इंडिया डिवाइडेड, यही वाली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। बाकी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है पर इंडिया डिवाइडेड। और दोस्तों हम लोग बात करें इनको अजात शत्रु, देश रत्न या फिर बापू के नाम से, बाबू के नाम से जाना जाता है ना, बापू नहीं, ठीक है ना, बाबू। देन दोस्तों हम बात करें गीतांजलि, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोस्तों हम लोग बात करें तो एक नाम का इस्तेमाल करते थे बचपन में बुक लिखने के लिए, और वो नाम हुआ करता था इनका दोस्तों भानु सिंघा। ये भी आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन से नाम इस्तेमाल करते थे बचपन में, तो भानु सिंघा। और दोस्तों इनको भी हम लोग बात करें तो नाइटहुड का अवार्ड मिला था, लेकिन हम लोग बात करें दोस्तों इन्होंने रिटर्न कर दिया था, क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग कांड हो गया था। काबुली वाला भी किताब जो है दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। देन दोस्तों लोग बात करेंगे आनंद मठ, आनंद मठ में दोस्तों सन्यासी रिवॉल्ट आपको देखने को मिलता है, और कपाल कुंडला ये भी काफी इंपॉर्टेंट किताब है। पर दोस्तों मैं आपको बोलूंगा आप लोग बस एक ही याद रखना जो है आनंद मठ, और याद रखना दोस्तों यहां पर हम बात करें दोस्तों तो जिक्र मिलता है किसका, सन्यासी रिवॉल्ट का, यानी कि सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र मिलता है। और इसी किताब से दोस्तों हम लोग बात करें तो लिया गया है आपका वंदे मातरम, क्या लिया गया है, वंदे मातरम। देन दोस्तों हम लोग बात करें इनकी और कुछ किताबें जैसे कि मृणालिनी देवी चौधरानी, बट ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। देन दोस्तों अरबिंदो घोष की हम लोग बात करें द लाइफ डिवाइन, आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है। देन वीर दामोदर सावरकर की दोस्तों हम लोग बात करें तो इन्होंने बताया था 1857 का जो विद्रोह है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, यानी कि आजादी की पहली लड़ाई है। और दोस्तों याद रखना इन्होंने अभिनव भारत नाम का ग्रुप भी बनाया था। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे अबुल कलाम आजाद जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इनका बर्थडे आता है हर साल 11 नवंबर को, जो हमारे देश में दोस्तों किस रूप में याद किया जाता है, तो आपको याद रखना है एजुकेशन डे यानी कि शिक्षा दिवस, क्योंकि दोस्तों ये हमारे देश के क्या थे, फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, यानी कि फर्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो ये थे आपके एजुकेशन मिनिस्टर, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। आगे दोस्तों लोग बात करें दयानंद सरस्वती जी की किताब है सत्यार्थ प्रकाश, सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। इन्होंने दोस्तों 1875 में बॉम्बे के अंदर में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो क्या बनाया था, तो आपको याद रखना है इन्होंने बनाया था आर्य समाज, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा है दोस्तों, यहाँ पर 1942 तक के इवेंट सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगला देखते हैं दोस्तों सरोजिनी नायडू, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द फेदर ऑफ डाउन, ये भी पूछी जाती है। और दोस्तों बात करें फर्स्ट महिला गवर्नर हैं हम लोग बात करें दोस्तों कहाँ की, अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं तो भारत की, और कहाँ पे बनी थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बनी थी। देन दोस्तों दादा भाई नौरोजी की सुपर इंपॉर्टेंट किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और दोस्तों इसी किताब में इन्होंने 1867-68 में पहली बार कैलकुलेट की थी नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, और वो निकाली गई थी दोस्तों 20 रुपये, 20 रुपीज पर पर्सन, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। देन दोस्तों लोग बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी की किताब है अ नेशन इन मेकिंग, ये भी ठीक ठाक है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक हुआ था इंडिगो रिवॉल्ट, इंडिगो रिवॉल्ट, और इंडिगो रिवॉल्ट को दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, नील विद्रोह। तो दोस्तों एक नील विद्रोह आप लोग समझते हो जिसको दोस्तों हम लोग तीन काठिया सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, वो है आपका चंपारण। लेकिन ये जो नील विद्रोह है दोस्तों ये आपका हुआ था 1859-60 में, और ये वाला जो विद्रोह हुआ था दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये आपका बंगाल में हुआ था, क्योंकि नील की खेती जहां पे की जाती है आपको पता जमीन खराब जाती है। दोस्तों इसके ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था बंदी जीवन, और इसको लिखा था दोस्तों सचिंद्रनाथ सान्याल ने, सुपर इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, वेदों की ओर लेटो, गो बैक टू वेदास, ये बिल्कुल कहा था किसने, दयानंद सरस्वती ने। देन दोस्तों सी एफ एंड्रू, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दीन बंधु के नाम से जानते हैं दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो, इन्होंने दोस्तों लिखा था द रेनेशा इन इंडिया, भारत में पुनर्जागरण।
अगला देखते हैं दोस्तों, राम मनोहर लोहिया, इनकी किताब थी भाई जो भारत का बंटवारा हुआ है उसका मेन उत्तरदायी कौन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया कौन है पार्टीशन का। देन दोस्तों नील दर्पण, नील दर्पण, अरे बेटा यहाँ पर एक चीज का इश्यू हो गया, फिर हम लोग बात करें, मैंने यहाँ पे गलती से इंडिगो रिवॉल्ट यहाँ पे बता दिया, इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। नील दर्पण दोस्तों ये बंदी जीवन तो नहीं होगा, बताओ क्यों। सचिन नाथ जो सान्याल है ना दोस्तों, ये कौन है, ये वो है दोस्तों जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस चीज को थोड़ा सा कलेक्ट कर लेना दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये क्या थे दोस्तों, फाउंडर मेंबर में से एक थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर में से एक थे। और आप जानते हो दोस्तों ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बना था, और ये कहां पर बना था, कानपुर में दोस्तों, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। हाँ यहां पर दोस्तों मैं बात करूं आपका, ये वो किताब है दोस्तों जो हम लोग बात कर रहे थे, किसके बारे में, नील दर्पण, ये था दोस्तों 1859-60 का आपका बंगाल में जो आपको क्या देखने को मिला था, इंडिगो रिवॉल्ट उसके अगेंस्ट में था ये नील दर्पण। दोस्तों वैलेंटिन चिरोल ने किताब लिखी है इंडिया अनरेस्ट, और इसका जिम्मेदार इन्होंने दोस्तों किसको ठहराया था, तिलक को ठहराया था, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नहीं बेटा पीटी के लिए मैं बात करूंगा तो ट्रिपल सी नहीं चाहिए, ये बात आपको याद रखना है, पीटी के लिए ट्रिपल सी नहीं चाहिए। चले चितरंजन दास जी दोस्तों हम लोग बात करें, जिनको हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं, उनकी किताब का नाम है दोस्तों इंडिया फॉर इंडियंस, है ना, भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। और देखो दोस्तों पीटी के लिए आपको नहीं चाहिए ट्रिपल सी, अगर क्या होगा जब ट्रिपल सी के थ्रू ना बहुत सारी वैकेंसी निकलेगी, जैसे लेखपाल वगैरह निकलेगा तो वहां पे चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद जी ने दोस्तों एक किताब लिखी थी जिसका नाम था भारत दुर्दशा, ना मस्त रहिए भाई अशोक सूर्या, गुड इवनिंग दोस्तों। तो दोस्तों ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक, ना बेटा मैं अभी फिलहाल भोपाल से हूँ। दोस्तों हम लोग बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, दोस्तों जो हम लोग बात करें कौन कौन सी बुक आपको याद रखनी, कोशिश करो सारी याद रखो, जैसे कि टर्निंग पॉइंट, द इग्नाइटेड माइंड्स, है ना, इंडिया 2020, टारगेट 3 बिलियन, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है विंग्स ऑफ फायर, सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीपल्स प्रेसिडेंट, ओके पास कर ले बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और भगत सिंह जी की दोस्तों जो किताब है इसका नाम है व्हाई आई एम एन एथिस्ट। देन दोस्तों हम लोग बात करें आर के नारायण जी की कुछ किताबें, मालगुड़ी डेज, देन हम लोग दोस्तों बात करें द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करने की कोशिश करें तो एक और याद रख लेना दोस्तों आप, इंग्लिश टीचर, ये वो किताबें हैं जो आपको लगातार एग्जाम में पूछी गई हैं। किरण देसाई की दोस्तों द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस आपके एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बाहुबली, तो उसके उसके लेखक थे आनंद नीलकंठन, और उन्होंने दोस्तों एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था असुर। और दोस्तों ये है अमीश त्रिपाठी जिनकी किताब दोस्तों रावण, मिलुहा, नागास, वायुपुत्र, इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा सीता, इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे सुहलदेव, है ना, सुहलदेव जिनको दोस्तों प्रोटेक्टिव किंग ऑफ इंडिया कहते हैं। दोस्तों हम लोग बात करें जो बाद में गए, हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, जो गजनी है उसके बाद के लोगों ने जब इंडिया पर अटैक किया था ना, गजनी के बाद के लोगों को, तो उसको सुहलदेव ने हराया था दोस्तों, ठीक है। देन दोस्तों एक नेटफ्लिक्स में आपका वेब सीरीज आई थी सेक्रेट गेम, उसके ऑथर कौन थे दोस्तों, विक्रम चंद्रा की बुक है सेक्रेट गेम, उसी के ऊपर वो किताब लिखी गई है। याद कैसे करें बेटा, एक से दो बार आप लोग यहाँ पे देखोगे तो हो जाएगा। ओके सुभाष, आप तो सब बता ही रहे हैं, तो पर याद कैसे करें बेटा, रिवीजन से करना पड़ेगा। अब देखो आनंद नील कंठन दोस्तों हम लोग बात करें, इन्होंने फिर क्या लिखी दोस्तों, बाहुबली, इन्होंने रावण लिखी है, रिवीजन करो दोस्तों अपने आप हो जाएगा। संजय बारू ने लिखी थी दोस्तों एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और हैरी पॉटर दोस्तों किसने लिखी हम लोग बात करें, जेके रावलिंग, सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और स्टीफन हॉकिंग की दोस्तों अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। गाइस अगर हम लोग बात करें लियो टॉल्स्टॉय की किताब याद रखना है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, काफी बार पूछी जा चुकी है। और दोस्तों ये है चाइना के चाणक्य जिनका नाम था सुन ज़ू, और ये बोलते थे जीतो चाहे जैसे भी, यस और नो। चलिए दोस्तों शेक्सपियर की सारी किताब एक बार रीड कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे कि बात कर लेता हूँ रोमियो जूलियट, हैमलेट, आगे देखते हैं दोस्तों जूलियस सीजर, उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ एज यू लाइक इट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों मी काम,
ये दोस्तों हम लोग बात करेंगे एडॉल्फ हिटलर की आत्मकथा पूछी जाती है, माइकल जैक्सन की दोस्तों मून वॉक आपके एग्जाम में आती है, और दोस्तों नेल्सन मंडेला जी की किताब है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सुपर इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। सर हाँ बेटा, मैंने नेशनल और इंटरनेशनल बहुत अच्छे से कराए विथ रीजन, तो आप लोग उस लेक्चर्स को देख लेना। दोस्तों बर्ड मैन ऑफ इंडिया हम लोग किसको बोलते हैं, सलीम अली जी को। तो दोस्तों इनकी बुक भी याद रखना है, क्या द फॉल ऑफ अ स्पैरो, और इनके ऊपर जो नेशनल पार्क है दोस्तों ये आपको कहाँ पे मिलेगा, जम्मू कश्मीर में, और जो बर्ड सेंचुरी है दोस्तों वो आपको कहाँ पर मिलेगी, गोवा में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हुसैन बुल्ट की किताब है फास्टर देन लाइटनिंग, बराक ओबामा की दोस्तों बात करें ड्रीम फ्रॉम माई फादर, और एक जो दोस्तों लेटेस्ट आई थी द अप्रोमिस्ड लैंड, अप्रोमिस्ड लैंड, ये सारी बुक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कार्ल मार्क्स की किताब है दोस्तों हम लोग बात करें दास कैपिटल, ये भी किताब आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। देन दोस्तों जेके राउलिंग की है जंगल बुक, यहाँ पे आपको मोगली मिलेगा, और दोस्तों गुलीवर यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें जोनाथन स्विफ्ट की किताब है, इसमें एक छोटा आदमी बड़ा आदमी आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक बड़ा आदमी चला जाता है छोटे लोगों के बीच में, फिर वही आदमी दोस्तों कहाँ चला जाता है अपने से बहुत बड़े लोगों के बीच में। देन दोस्तों पीटी उषा की किताब है गोल्डन गर्ल, और सुनील गावस्कर की दोस्तों जो किताब है हम लोग बात करें सनी डेज, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हम लोग बात करें एल के आडवाणी की आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ और वन लाइफ इज नॉट इनफ, दोस्तों ये है किसकी, कुंवर नटवर सिंह की किताब। चलिए दोस्तों एमसीक्यू चालू करते हैं। हेलो एवरीवन गाइस, है ना, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू चालू करेंगे, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि कुछ आपके साथ में डिसाइड कर लेता हूं, और अब दोस्तों इन क्वेश्चंस का आंसर देना। चले गाइस, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सुल्तान जो महमूद था वो रूलर था दोस्तों कहाँ का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को देना है, पर्शिया का, लाहौर का, गजनी का, अरब का, तो सीधी सी बात है दोस्तों ये रूलर था कहाँ का, गजनी का, और गजनी दोस्तों कहाँ पर, अफगानिस्तान में, कहाँ पर है आज की डेट में, अफगानिस्तान में। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि भारत में और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें भारत में और क्या बोलते हैं जो विदेशी लोग हैं उनमें तीन ऐसे कौन से एरिया थे जो भारत और विदेशों के बीच से बाउंड्री बना करके रखते थे नेचुरल, तो बता सकता है कोई मुझे कि नेचुरल बाउंड्री भारत और विदेशी लोगों के बीच में कौन बना करके रखता था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा एक मैप का सहारा लूंगा, और देखो दोस्तों ये सपोज करो हमारा भारत का नक्शा था, ठीक है, ये हमारा भारत का नक्शा है दोस्तों अगर हम लोग बात करें, तो इस एरिया में अगर आप लोग जाओगे ना तो यहाँ पर तीन जगह मिलेंगी, काबुल, यसन काबुल, यहाँ पर आपको मिलेगा गजनी, और यहाँ पर मिलेगा दोस्तों कांधार, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें ये पूरा सुलेमान रेंज और हिंदुकुश रेंज के पास की बात है, उसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको पासेस मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं खैबर दर्रा मिल जाएगा, तो अगर किसी भी विदेशी को हमला करना था तो उसको ये एरिया को जीतना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगी एक नदी जिसका नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर। दोस्तों कई बार बोला जाता है कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने भारत पर उन तीनों चीजों पर कब्जा करके रखा और विदेशियों के आक्रमण से बचाया। दोस्तों याद रखना इन तीनों जगहों पर कब्जा करके रखा था मौर्य डायनेस्टी के लोगों ने, और इसी चक्कर में दोस्तों हम लोग बात करें हम लोग बहुत दिन तक यहाँ पर बचे रहे, है ना, बिल्कुल। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं तैमूर लंग, दोस्तों जो उसने भारत पर हमला किया था, उसने भारत पर हमला कब किया था बताएं दोस्तों, तैमूर लंग ने भारत पर हमला कब किया था दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। बेटा आज 9:30 से हुई है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों तैमूर लंग। दोस्तों तैमूर लंग जो था वो पर्शिया यानी कि फारस से यानी कि ईरान से आया था, और इसने भारत पर हमला किया था 1398 में, और इस समय दोस्तों हम लोग बात करें तो बात करने की कोशिश करें दोस्तों तो तुगलक डायनेस्टी का शासन चल रहा होता था, तुगलक डायनेस्टी का रूल चल रहा होता था, और इसने दोस्तों आकर के कब्जा कर लिया था, आपको याद होगा किस पर, पंजाब पर, और पंजाब का दोस्तों इसने गवर्नर बना दिया था किसको, अगर हम लोग बात करें तो खिज्र खान को, ऐसा नो बिल्कुल खिज्र खान को। बेटा अभी एमटीएस के भी क्वेश्चन है लास्ट में, अगर हम लोग वहां तक पहुंचते हैं तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखना। और 1526 में आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज डिफीटेड बाई मोहम्मद घोरी इन बैटल ऑफ चंदावत। दोस्तों जो मोहम्मद घोरी है, ठीक है ना, उसके बारे में अगर बात करूं
है ना, उसने बैटल ऑफ चंदावर में किसको हराया? तो दोस्तों बैटल ऑफ चंदावर कब लड़ी गई ये भी आपको याद रखना है। ये बैटल लड़ी गई थी 1194 में, 1194 में, है ना। हाँ बिल्कुल भाई, मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। दोस्तों क्या हो गया, आप लोग को चीजों में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? मैं एमसीक्यू भी करा रहा हूँ जैसा आप लोग चाहते थे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले थ्योरी कराई फिर अब मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे यहाँ पे बता सकते हो भाई। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो ये कौन था दोस्तों, हम लोग बात करें तो इसने हराया था जयचंद को, ठीक है ना, जयचंद को हराया था। और आपको पता है दोस्तों तराइन के जो बैटल है वो दो हुए हैं, अभी आगे हम लोग को मिल जाएगा। देखो तराइन का दोस्तों दो युद्ध लड़ा गया था, एक लड़ा गया था 1191 में और एक लड़ा था दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो 1192 में। और इस बैटल में दोस्तों कौन जीता था, इसमें जीता था पृथ्वीराज चौहान, और सेकंड वाले में दोस्तों कौन जीत गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरी। 1757 में दोस्तों हम लोग बात करें तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा प्लासी। 1857 में तो दोस्तों विद्रोह ही हो गया था, ठीक है ना, बिल्कुल। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हो गया था। अगला 712 में दोस्तों भारत पर हमला किसने किया था, तो आपको याद रखना है अरबों ने, और अरबों में भी दोस्तों किसने किया था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला मुस्लिम था दोस्तों जिसने भारत पर सक्सेसफुल अटैक कर लिया था, नाम है मोहम्मद बिन कासिम। अगला दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों किसके बीच में हुआ था, तो अभी मैंने आपको बताया था घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और ऐसा माना गया पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों यहाँ पे मार दिया गया, किसके द्वारा, घोरी के द्वारा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो कौन सा मंगोल था जिसने ईरान के, हम लोग बात करें उत्तर पूर्वी इलाके में हमला किया था, जिसको हम लोग ट्रांस ऑक्सियाना के नाम से जानते हैं आज की डेट में। दोस्तों ये था चंगेज खान, और याद रखना दोस्तों जो चंगेज खान था वो भारत पर भी हमला कर सकता था 1281 में, क्योंकि ये एक बंदे का पीछा कर रहा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मगबरनी, लेकिन उसको शरण देने से मना कर दिया था किसने, इल्तुतमिश ने। और इस तरीके से जो इल्तुतमिश है उसने दोस्तों बचा लिया था किसको, भारत को इनके हमले से, ठीक है। चलो दोस्तों हम लोग बात करें अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो ने दोस्तों ये किसका हम लोग बात करें तो पोएट हुआ करता था, आपसे पूछा जा रहा है। देखो अमीर खुसरो को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पैरट ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, पैरट ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों मैं बात करूं भारत का तोता, इसको दोस्तों हम लोग बात करें तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में बात करूं दोस्तों, इसने दिल्ली के टोटल कितने सुल्तान के साथ में काम किया, लगभग 7 सुल्तान के साथ में काम किया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसने गुलाम डायनेस्टी के बलबन के साथ लेकर के आपका अलाउद्दीन खिलजी, इन सभी के साथ में काम किया है। इस ये दोस्तों पहला मुस्लिम था, अगर हम लोग बात करें ये पहला मुस्लिम था दोस्तों जिसने कौन सी लैंग्वेज सीखी थी, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जिसने हिंदी सीखी थी। ये बात आप लोग को पता है क्या कि पहला मुस्लिम कौन था जिसने हिंदी सीखी थी? देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, एक तो पहली बात इसने हिंदी सीखी थी, दूसरी बात दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो और क्या याद रखना है आप लोग को बताओ, इसने दोस्तों आविष्कार किया था किसका, सितार और तबला का, सितार और तबला का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो खड़ी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वो भी इसी ने शुरू किया था, है ना, बिल्कुल ये बात भी आप लोग को याद रखना है। देन दोस्तों लोग बात करें क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के लिए दोस्तों इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, फुतूहत, फुतूहत ए फिरोज शाही। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसी किताब में इसने जिक्र किया था कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था दोस्तों कहां पर, अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें चित्तौड़ पे, चित्तौड़ को इसने कब जीता था, 1303 में जीता था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तुगलकनामा जो बुक है दोस्तों ये भी इसने लिखी थी, है ना। तुगलकनामा दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो आपको किसके ऊपर देखने को मिलेगी, गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर इसने तुगलकनामा भी लिखी थी, तो ये बात भी याद रखना, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखते हैं दोस्तों, दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू की थी, तो आप जानते हो दोस्तों ये कोई और नहीं था, ये भी था आपका अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों एक और बात याद रखना कि सबसे ज्यादा जो मंगोलियों का हमला है, मैक्सिमम दोस्तों अगर हम लोग बात करें जो मंगोल अटैक हैं इसी के टाइम पीरियड में हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यस और नो।
दोस्तों क्या हुआ, आप लोग को मजा नहीं आ रहा है क्या क्लास में? क्या हम लोग क्लास एंड करें? एक बार मुझे आप लोग बता दीजिएगा कि क्लास एंड करना है तो मुझे बता दो। दोस्तों इन्होंने ही बनाया था क्या, अगर हम लोग बात करें अलाय दरवाजा, क्या बनाया था दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो अलाय दरवाजा। अलाय दरवाजा दोस्तों कुतुब मीनार का एंट्री गेट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कुतुब मीनार मतलब जिस परिसर में है ना, उस परिसर का जो एंट्री गेट है उसको इसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों एक बात और याद रखना है, अलाय दरवाजा भारत में पहली इमारत है जहां पर दोस्तों आपको पहला डोम यानी कि गुंबद देखने को मिलता है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी, हाँ बेटा, अगर दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। जिन भी बच्चों को लगता है कि सर सेशन को एंड कर दीजिए, बता दीजिए, मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गाइस एक बार शेयर कर दीजिएगा प्लीज, है ना? और दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बहलोल लोधी के बारे में, तो दोस्तों ये इसने स्थापना की थी, ये फाउंडर था किसका, लोधी डायनेस्टी का। ये फाउंडर था किसका, लोधी डायनेस्टी का, बिल्कुल। ओके गाइस, फिर हम लोग करते हैं बलबन के बारे में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये खुद को क्या कहता था, जिल्ले इलाही, क्या कहता था, जिल्ले इलाही मतलब भगवान की परछाई कहता था दोस्तों। और इसके अलावा ये खुद को कहता था नियाबत एक खुदाई, क्या बोलता था, नियाबत एक खुदाई। नियाबत एक खुदाई का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से भगवान का ही एक स्वरूप है जो धरती में है, ठीक है ना, बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी जो था ना मंगोलियों के अटैक से परेशान हो गया था, तो इसने दिल्ली में क्या बनवाया था, एक किले का निर्माण करवाया था जिसका नाम था सीरी फोर्ट, या फिर दोस्तों उसी को सीरी पैलेस बोलते हैं। और दोस्तों इसने कुतुब मीनार के बगल में बनाने की कोशिश की थी एक मीनार जिसका नाम था दोस्तों अलाय मीनार, क्या नाम था, अलाय मीनार। लेकिन वो इसको कंप्लीट करवाता उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी जो है ये मर गया था, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट किंग कौन था दोस्तों जिसने दक्षिण भारत पर हमला किया था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ये खुद नहीं गया था, इसकी तरफ से कौन गया था दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मलिक कफूर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसने एक हमला करवाया था देवगिरी, और देवगिरी में दोस्तों इन लोगों ने किसको हराया था, यादव जो लोग हुआ करते थे उनको हराया था। देन दोस्तों हम लोग बात करें, एक जगह है वारंगल तेलंगाना में, वारंगल वहां पर दोस्तों इन लोगों ने हराया था ककातिया को। और दोस्तों यहीं पर इन लोगों को एक हीरा मिल गया था गाइस, जिस हीरे का नाम क्या था, कोहिनूर, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और यहीं पर मलिक कपूर कोहिनूर हीरा लेकर के चला जाएगा दिल्ली, और मलिक कपूर को हजार दिनार भी बोलते हैं क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था गुजरात में। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में, तो हम लोग बात करें दोस्तों जो मदुरई है, जो आपका मदुरई है उस पे दोस्तों पंड्या लोगों का राज था, तो वहां पर भी जाकर के ये जीत करके आएगा, मदुरई को भी ये जीत करके आएगा। और इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, एक एरिया आपको और देखने को मिलेगा और वो हो जाएगा दोस्तों, हम लोग बात करने की कोशिश करें, द्वार, द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम। और द्वार समुद्रम को दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में हेलबिट के नाम से जानते हैं, ये आज की डेट में कर्नाटक में है। और यहाँ पर दोस्तों जो लोग हुआ करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं होयशाला, है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दीवान ए खैरात, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दीवान ए खैरात, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, ये किसने शुरू किया था दोस्तों? तो ये भी शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने, मतलब इसमें लोगों को दान दक्षिणा दिया करता था। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों वो व्यक्ति है जिसने ब्राह्मण लोगों पर भी लगाना चालू कर दिया था दोस्तों एक टैक्स जिसका नाम क्या है, जजिया टैक्स, ठीक है ना। इसके पहले जजिया टैक्स जो है वो ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, हाँ जी गाइस। फर्दर मूव कर लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन थी दोस्तों जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया? तो इनका नाम था दोस्तों रजिया सुल्तान। हालांकि बाद में दोस्तों अकबर के समय पर एक महिला का रूल होता है, कहाँ पर, अहमदनगर पर, कहाँ पर होता है दोस्तों, अहमदनगर पर। और अहमदनगर कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में, ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ दिल्ली? तो दोस्तों आपको पता है कि ऐबक की कैपिटल थी लाहौर, इल्तुतमिश ने उसको दिल्ली शिफ्ट किया था, इसको रियल फाउंडर भी बोलते हैं दिल्ली का, क्योंकि दोस्तों इसी ने खलीफा से
उपाधि भी ली थी, किसकी? सुल्तान की। ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा सुनो, है ना, और दोस्तों याद रखना कि पहले ये गवर्नर हुआ करता था, कहाँ का? बदायूं का, जब ऐबक राजा हुआ करता था। और बदायूं में दोस्तों जो जामा मस्जिद है, जो आपका जो जामा मॉस्क है ना, उसको भी बनाने का श्रेय जाता है किसको? इल्तुतमिश को ही जाता है। और इल्तुतमिश ही दोस्तों वही है जिसने क्या किया था, इक्ता सिस्टम चालू किया था। बिल्कुल, अल्तुनिया ने शादी कर ली थी जबरदस्ती किससे, रजिया से, याकूत को मार दिया था, और तभी तो गाना बड़ा था ना, रजिया गुंडों में फंस गई है कि नहीं। चलो आगे दोस्तों हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। तो राजधानी परिवर्तन दोस्तों किसने किया था? दिल्ली से आगरा पूछा जा रहा है, सो सॉरी दोस्तों, अगर हम लोग बात करें दिल्ली से जब आगरा पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आगरा शहर बनाया गया था दोस्तों कब, तो याद रखो 1504 में, और यहाँ पर राजधानी परिवर्तन कर दिया गया दोस्तों 1506 में, और ये किसने किया था? सिकंदर लोधी ने, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं दिल्ली से दौलताबाद लेकर के गया था कौन, आपका मोहम्मद बिन तुगलक, और ये काम कब किया गया था आपका दोस्तों, मैं बात करूं तो 1329 में किया गया था लगभग, ठीक है। चलें, आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। हेलो दिलशाद, है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है चीजें जो दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कशन आप लोग के साथ में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, आप लोग को कोई इशू आ रहा है क्या? मतलब चीजें समझ में नहीं आ रही है क्या? आप में से किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा है क्या? मतलब चीजें समझ में नहीं आ रही है क्या? कोई दिक्कत हो तो गाइस आप लोग मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, टोकन करेंसी भी चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसलिए उसको प्रिंस ऑफ मनीयर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो सुल्तान था दोस्तों, वो भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, है ना। ये दोस्तों फिलोसफी में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट था, इसको बहुत सारे सब्जेक्ट आते थे, पर ये फिलोसफी में यानी कि दर्शन का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हुआ करता था, ठीक है ना। आगे हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। चंगेज खान ने दोस्तों भारत पर हमला करने की कोशिश की थी कब? 1221 में, लेकिन डायरेक्ट हमला नहीं था। मैंने आपको बताया था चंगेज खान का एक दुश्मन भारत पर आ रहा था, भारत में आ रहा था शरण मांगने के लिए, जिसका नाम क्या था दोस्तों, बात करें जलालुद्दीन मकबरनी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको शरण नहीं दी। इस तरीके से चंगेज खान के हमले से उसने भारत को बचा लिया था। राधे राधे भाई। ओके पल्लवी, रोशन, दिलशाद, सरा, सरा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अनुराग सिंह है, ठीक है। राधे राधे भाई अजीत। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें, जो बच्चे यार फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपको अगर यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, ठीक है ना, अभी स्लाइड नंबर 99 में, तो मैं उनको एक बार आपको बताना चाहूंगा गाइस, देखो जरा एक सेकंड, मैं जो भी बच्चे हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना, आप लोग को थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मेरा नाम अनुराग है, ठीक है ना, और यहाँ पे आप मेरे क्रेडेंशियल्स आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और जीएस के जो सब्जेक्ट है ये मैं आप लोग के साथ में डिस्कशन करता हूँ। चलें वापस चलते हैं जहाँ पर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। हाँ जी, तो गाइस हम इस स्लाइड में हुआ करते थे। चलिए, हाँ भाई गोलो, हाँ बिल्कुल। हिस्ट्री टफ नहीं बेटा, हिस्ट्री आपको टाइम से पढ़ना पड़ेगा। प्रणाम यूवी तिवारी, है ना। चलें, हेलो नरेश। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे टका, टका के बारे में हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये करेंसी थी जो इल्तुतमिश ने चलाई थी। इसके अलावा इसने जीतल भी चलाया था, जीतल इसने कॉपर तांबे का चलाया था, और दोस्तों जो टका है वो इसने किसका चलाया था? चांदी का चलाया था, यानी कि सिल्वर का चलाया था, ठीक है ना। चलें दोस्तों, पोलो, पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? चार। इसको याद कैसे करते हो? पोलो में तीन चार शब्द भी होते हैं ना, पोलो 1 2 3 4, जिसको चौगान खेलते हैं। इसको खेलते समय दोस्तों गिर गया था एक व्यक्ति जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है। हेलो फिरोज, ठीक है गाइस, तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, तो अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं ऐबक के बारे में। देखो दोस्तों, इसको एक तो लाख बख्श बोलते हैं, और अगर मैं बात करूँ इसको लाख बख्श क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा दानी था। इसको दोस्तों हम लोग बात करें तो कुरान ख्वां भी बोलते हैं, क्योंकि इसने कुरान को पढ़ना लिखना सीख लिया था, कुरान ख्वां भी बोलते हैं। इसको दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो पील बख्श बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हाथियों का भी दान कर दिया करता था। ये सारी बातें भी आप लोग ध्यान रखना। और दोस्तों इसने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, ये खुद को कहता था तिपह सलार, क्या
क्या कहता था, सिपाह सलार। दोस्तों ये भी आता है कि सिपाह सलार का टाइटल किसने लिया था, इसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के लिए, दोस्तों हम लोग बात करें कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था, है ना, ठीक है ना। प्रणाम भाई प्रणाम। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसने बनाई थी कहाँ पर दोस्तों, दिल्ली में। पर भारत की जो पहली मस्जिद है दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, दोस्तों ये आपको मिलेगी केरल में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी रुचि, आज यहाँ पे लेक्चर लगा हुआ है, ठीक है। हेलो साहिल, चलिए दोस्तों बिल्कुल। दिन दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो तुगलक कौन था जिसने कॉपर कॉइन इशू किए थे, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, यहाँ पे आपका मोहम्मद बिन तुगलक आपको देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें गाइस, ये सब पढ़ते जाइएगा आपको फायदा होगा। चले बेटा, उसके नेम का मतलब होता है पल्लवी, कुतुब जो कुतुबुद्दीन है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके नेम का मतलब ही होता है गॉड ऑफ मून। प्रणाम भाई एस के पांडे। हाँ दोस्तों, ये जो है व्यक्ति इसने क्या किया था दोस्तों, हम लोग बात करें जो कॉपर कॉइन चला दिए थे सिल्वर की जगह पे, ठीक है। दिल्ली टू दौलताबाद हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसी के समय में दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो 1333 में एक व्यक्ति आया था कहाँ से, मोरक्को से, जिसका नाम था इब्ने बतूता। ये भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। और दोस्तों इब्ने बतूता ने जब आया था तो एक बात करें दोस्तों, तो एक बात करने की कोशिश करें तो क्या किया था बताओ, इब्ने बतूता ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रहला, और इब्ने बतूता को इसने चीफ काजी बना दिया था दिल्ली का, और चाइना का एम्बेसडर भी बना दिया था, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, एक सॉन्ग सुना इब्ने बतूता बगल में जूता, वो इसी के ऊपर, क्योंकि इब्ने बतूता दोस्तों हम लोग बात करें, इसने मक्का से इस्लाम की पढ़ाई की थी, लेकिन ये आज के 40 जो देश हैं ये उस समय घूम चुका था, कौन, इब्ने बतूता, ठीक है। ये बात भी आप लोग यहाँ पे ध्यान से रख लेना। अगला दोस्तों हम लोग बात करें दीवाने को ही, तो दोस्तों ये भी चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये भी चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है गाइस। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था, इसमें क्या था, ये इसने बोला था कि मैं जो है भाई वो क्या करूंगा, फार्मर्स को क्या दूंगा दोस्तों, लोन दूंगा। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें जो 1/3 है वो गाइस हम लोग बात करें वो टैक्स के रूप में वापस ले लूंगा जब प्रोडक्शन हो जाएगा, तो इसका ये वाला एक पॉलिसी था दोस्तों दीवाने को ही, ये भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है, है ना। बिल्कुल बेटा, मैं इस चैनल पे लेक्चर नहीं लेता, मेरा जो चैनल डेली रहता है वो रहता है नॉलेज 365, है ना। यहाँ पर दोस्तों आज ले रहा हूँ, कल और परसों दो दिन और लूंगा, ठीक है भाई। चलें तो गाइस, आज का जो सेशन है ना उसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज के सेशन को दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे, बाकी गाइस हम लोग जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। हम लोग कल कोशिश करेंगे दोस्तों चीजों को यहाँ पे करने की, थोड़ा सा एंजाइटी सा भी लग रहा है, हम लोग सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पे आना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी यूजिंग द कोड ANG10। इसमें आपको दोस्तों आप देख सकते हो एडिशनल वैलिडिटी भी मिल रहा है और डिस्काउंट भी अवेलेबल हो रहा है, और ये सारे कोर्सेज दोस्तों अनअकैडमी के पास अवेलेबल है, आप इसको परचेस कर सकते हो। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, अभी हम लोग बात करें, है ना बेटा, कल जो है कोशिश करूंगा कि कल जो टाइमिंग है थोड़ा जल्दी रखूं आप लोग को, है ना, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा दोस्तों। ये आप लोग याद रखना दोस्तों, अनअकैडमी का SSC एग्जाम का कॉम्बेट हो रहा है दोस्तों, तो आप इसको फ्री में एनरोल कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है। दोनों ही लैंग्वेज में टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 50 मिनट का होगा। अगर दोस्तों आप टॉप के 500 में आओगे तो आपको अमेजोन के वाउचर मिलेंगे, और आप टॉप करोगे तो आईपैड मिलेगा, सेकेंड रैंक आओगे दोस्तों तो एयरपॉड मिलेगा, थर्ड रैंक लाओगे दोस्तों तो आपको JBL का स्पीकर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों हम लोग बात करें तो कोई भी चीज़ अगर आपको रॉन्ग लगती है तो आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हो वीडियो को, और दोस्तों वीडियो को अगर आप लोग को ठीक लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। सेशन को दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज एंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम लोग दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में सेम चैनल पर, एक नॉलेज 365 नाम का चैनल है, वहां पर हम लोग रेगुलर क्लास देखते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ गाइस, सॉरी, है ना, आज का सेशन दोस्तों हम यहीं पर रखेंगे, थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है।